नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में, तो 30,000 कोटे वगैरह जो भी है, तो यहाँ पर डेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, है ना। उनके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम शुरू हो गया है, एडमिट कार्ड स्टार्ट आया है पर्सनल असिस्टेंट का। थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या एग्ज़ाम में आया, क्योंकि उसका पेपर है अभी। तो जिनको एडमिट कार्ड, जिन लोगों ने उस पोस्ट के लिए भरा था, अभी बताऊँगा कि सिर्फ एक ही पोस्ट लिया है, बाकी और पोस्टों को धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट थी, ठीक है। एक तो था सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसके लिए मांगा था ग्रेजुएट विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 110 वर्ड पर मिनट, अनशॉर्ट हैंड में, और टाइप राइटिंग में आपका 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। अच्छा, दूसरा और इस पर था क्या क्या होगा, क्या क्या इस पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव तो एक ही दिन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद बुलाया जाएगा, ठीक। अभी जो पेपर होना है वो है पर्सनल असिस्टेंट के, सब्जेक्टिव टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव वगैरह, ग्रेजुएट तो ये भी मांग रखा था, ठीक है। उसके बाद है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ठीक। तो ये अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। और कुछ लोगों ने भरा था फॉर्म डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए भरा था, ठीक। तो चलिए सब चीज़ों को थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूँ। तो इसको ध्यान से देखिए, ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट, यानी SPA और PA। तो ये है इनके लिए, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रेंसिव, ठीक। और होगा क्या इसमें, बेसिक इंग्लिश आएगी और जनरल नॉलेज है एंड जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग है, तीन ही चीज़ें हैं इसमें, ठीक। ध्यान से अच्छे से, तो आपका अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप डिस्क्रिप्टिव अच्छा हो जाएगा और सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं आपको कब का बोल रखा था, इसलिए हमने जो इंग्लिश क्लास करवाई थी 41 लेक्चर दिलवाए थे सारी बच्चों को, और उसके बाद हमने करंट अफेयर्स की वगैरह की वीडियो जो प्रोवाइड की, तो हमने बाकी चीज़ों पर कम फोकस किया, हमने ज़्यादातर फोकस किया इंग्लिश पर। उसके पीछे एक वजह थी, बच्चों ने कहा कि भाई सर आप इंग्लिश ही क्यों इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप पूरा का पूरा पेपर देखिए कैसे, जनरल इंग्लिश 50 नंबर की है, जनरल नॉलेज मैंने आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कर रखी है क्लासेस की, सॉरी PDF दे रखी है करंट अफेयर की, तो उसमें क्लियर हो जाएगी। जनरल इंटेलिजेंट के 20 क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर आप सामान्यतः जनरल इंटेलिजेंस पर रीजनिंग में थोड़ा भी अगर आपने थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप इसको कर पाएंगे, लेकिन आपका मेन फोकस यहाँ पहुँचे, क्यों, क्योंकि आगे चल के इस पर क्या होगा कि जैसे पार्ट वन में जनरल इंग्लिश होगी, पार्ट टू में आपका जनरल नॉलेज होगा, ठीक है, पार्ट थ्री में आपका जनरल इंटेलिजेंस, तीन पार्ट हो गए। उसी दिन आपका जो चौथा पाँचवा पाँच छठा पार्ट होगा उसमें अगर खतरनाक चीज़ें, जैसे ऐसे आपका होगा सिर्फ डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ इंग्लिश में होगा, ग्रामर आपका होगा, ट्रांसलेशन, ये सारा का सारा क्या है, इंग्लिश है। तो आप अच्छे से देखें कि मैंने जो इंग्लिश क्लास कराई है कितनी ज़रूरी थी, 75 मार्क्स से 50 मार्क्स से, ठीक। जनरल नॉलेज देखिए तो इतना कुछ आपको दिया गया, तो ये यार टीचर जब कोई चीज़ पढ़ा रहा होता है, टीचर कोई चीज़ देता है तो उस पर विश्वास करना चाहिए। और खैर जो लोग फेथ रखते हैं कि हाँ सर ने अच्छा किया हमारे साथ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आपको फालतू ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य हमेशा होता है कि शॉर्ट में चीज़ें, क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, हम बहुत सारे एग्ज़ाम करा रहे हैं, और इस YouTube पे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ाना ना, हमें सलेक्शन चाहिए आपका, ठीक है। तो ये रहा, तो ये आपका एक ही दिन पेपर होगा, 6 पार्ट में पेपर होगा आपका, क्लियर हो गया पूरी, आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। अगला इसके बाद हमारा, अब जिनका पेपर होना है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, JJA के लिए ध्यान रखिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले आप लोगों का पेपर ध्यान रखिए। पार्ट वन आपका होगा जनरल इंग्लिश 60 नंबर का सीसी थे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर ज़्यादातर करंट अफेयर आता 30 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की, ये सारी की सारी चीज़ आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश आपकी 41 लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट है पूरे, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कुछ आपको करवाएंगे देंगे, सही हो जाएगा पूरा। तो ये आपका होगा कितना, सिर्फ 120 मार्क्स में, ठीक है। ये होने के बाद याद रखना नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है, ये आपके लिए इतना ही पेपर आपका है, और इसका भी एडमिट कार्ड नहीं आया, इसका एडमिट कार्ड आएगा आगे चल के, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दूसरे टायर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट के लिए आपको पता है स्किल टेस्ट में ये जो MCQ आपका जनरल कैटेगरी है जो भी आप स्कोर करेंगे उसके आधार पर आपको आगे चल के बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, शॉर्ट हैंड जो भी टाइप का होगा आपका, ठीक है, इसके लिए बुलाया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा एक सिस्टम जो कि मुझे बताना था। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट डाटा एंट्री के लिए आपको बता दूं, ये 100 मार्क्स का होगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा आपका टायर 3 में होगा, मतलब अभी नहीं होगा, टायर 2 के बाद, मतलब टायर 1 में तो आपका पहले पेपर हो गया, ठीक है,
पेपर होने के बाद फिर टायर टू आपका स्किल टेस्ट बुलाया जाएगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो भी आप करेंगे, ठीक है। मतलब उनके लिए ये, अभी यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट के लिए मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ अभी, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो टायर वन के बाद आपका क्या होगा, स्किल टाइपिंग टेस्ट आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका होगा क्या, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज होगी, देखिए 100 मार्क्स की यहाँ पर, और ऐसे होगा 300 वर्ड्स का, 50 वर्ड का, ग्रामर होगी। तो आप देखिए ना, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ कराया जा रहा है, पूरा फोकस कहाँ दिया जा रहा है, सीधा सीधा आपके इस पर, इंग्लिश पर, क्योंकि मुझे पता यहाँ से आना तय है, और आपको जितनी अच्छी ग्रामर बेस होगी, जितना होगा उतना अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव जो कंडक्टेड होता है, जब पोस्ट पास जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ये देखिए इन सब के लिए होता है, ठीक है, आप इस पे देख सकते हैं। इसके बाद होगा टायर फोर, मतलब इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का इसके लिए, और जूनियर जोसिल के 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान, इंटरव्यू ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है, विल कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सर्जन, ठीक है, मिनिमम आपको जो ही पाना है, ठीक है। तो ये आपका सारा सिस्टम है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले भी देख लें, ठीक है, और आपका जुडिशियल असिस्टेंट भी देख लें, ये सब के लिए आपका पेपर था, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन तो आपने देख ही लिया, कैसे आपका पेपर आना, कैसी क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझ पाए हैं आप, ठीक। ये मैंने जो भी सारी चीज़ जो आपका डाउट था, सारे यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब इसकी रही है एडमिट कार्ड की बात, तो अभी असिस्टेंट का एडमिट कार्ड आया है। अभी भी जो लोग बचे हुए हैं, चाहते हैं कि तैयारी करना, तो नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, पूरी क्लास एक साथ आपको मिल जाएगी, इंग्लिश क्लास 7827282211, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप नंबर लेकर के आज से ही क्लास जुड़ जाइए। हफ्ते, दो हफ्ते, चार हफ्ते, जो भी बचेगा टाइम, आप आराम से कर पाओगे और एक साथ पढ़ भी लोगे, ठीक है। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिए, और बाकी जो भी कोर्स परचेस करेंगे आप, तो आपको पीडीएफ वगैरह जो नीडफुल पीडीएफ वो आपको दी जाएगी, ठीक है। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।